हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हुए जब ये एरर आ रहा है नो डिवाइस फाउंड, प्रेस एनी की टू रीबूट मशीन, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर F12 की प्रेस कर देना है। यहाँ पर बूट मेनू की सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी, तो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर बायोस सेटिंग जो है सेलेक्ट कर देना है। बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, बायोस की सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहां पर बूट सीक्वेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। बूट लिस्ट ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक लिगेसी का है और एक यहाँ पर UEFI का ऑप्शन है। अगर आपके पास यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट में लिगेसी में सेट है, तो आप इसको UEFI सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट में UEFI है, तो मैं इसको लिगेसी में सेट करता हूँ। लिगेसी में सेट कर यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके यस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।